गरीब की मदद करने में जुटी आरपीएफ टीम, गरीब मजदूरों के बीच किया गया राशन का सामान वितरित, अधिकारियों ने की रेलवे के सफाई कर्मचारियों की मदद, आगरा कैंट स्टेशन पर दिया गया आटा दाल अन्य जरूरी सामान। सोशल डिस्टेंस के नियम के अनुसार गरीब मजदूरों को आरपीएफ टीम ने दिया आशीर्वाद। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूर को उठानी पड़ रही है परेशानी। सर आज भोजन और खाद्यान्न का वितरण लोगों के बीच किया जा रहा है, सर क्या है पूरी जानकारी, कौन लोग हैं ये? ये हम लोगों ने जो लॉकडाउन की घोषणा के बाद से जो मजदूरों को फूड बांटने की जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू की है, उसी के तहत आज हम लोग रेलवे कॉलोनी के पास में बने हुए जो झुग्गी और जो गरीब मजदूर लोग जो रहते हैं रेलवे कॉलोनी के पास में, उन लोगों को हम आज फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इनको हम आटा दाल जो दैनिक जीवन में प्रयोग करने की चीज़ें जैसे कि खाद्यान्न, जैसे कि सब्जियां, मसाले, दाल, चावल, ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये। इसी के तहत ये लगभग 50 से ज़्यादा मजदूर अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिनको ये फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर कुछ सफाई कर्मचारी भी बता रहे हैं कि हैं इसमें रेलवे के कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं जैसा मुझे जानकारी मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों का भी हम सेम टाइम पे हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय जिनको भी फूड की ज़रूरत है अगर उनके लिए हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी सर पूरा ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर आदमी जो यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवा रहा है उसके हाथ में ग्लव्स हैं, मास्क पहना हुआ है उन्होंने, और प्रॉपरली इनको 2-2 मीटर की दूरी में डिस्टेंस में खड़ा करवाया गया है और बारी बारी से बुलवा के इनको फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये सर बताया, लोगों को बताया भी जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया भी जा रहा है। जैसे कई लोग आए थे अभी, कुछ लोग मैं देख पा रहा था कि वो लोग आपस में 2-4 लोग एक साथ बैठ गए थे, तो उनको भी हम लोग समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।